गाइस वेलकम बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस चैनल पे। यस, लुट गए का ट्यूटोरियल फाइनली मैं कर रहा हूँ अपलोड, वॉक बैंड ट्यूटोरियल जिसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं है तो मुझे हर एक बार लाइव स्ट्रीम के अंदर भी बहुत जन पूछ रहे थे कि भाई वॉक बैंड ट्यूटोरियल ऑफ लुट गए कहां पर है, तो आज हम करने वाले हैं। और जो बंदे मेरे पूरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं एट द एंड जो एंड स्लेट होती है उसमें मैं लिखता हूँ कि 200 कमेंट्स अगर होंगे तो ही मैं उसका ट्यूटोरियल लेके आऊंगा, क्योंकि यार इतनी ज्यादा मेहनत लगती है आप आगे देखने वाले वीडियो में। तो इतनी जो मेहनत है वो तभी की जाएगी जब आपको डेस्परेटली वो गाना सीखना है। तो 200 कमेंट्स अगर किसी भी वीडियो पे होते हैं तो मैं डेफिनेटली उसका वॉक बैंड ट्यूटोरियल करता ही हूँ। तो अगर कोई ये गाना आपको सुनना है तो उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों को भी कहो कि कमेंट कर दे, जेन्युइन कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली करेंगे। तो अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं, वॉक बैंड की ओर अपने बढ़ते हैं। बट वो शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे टैलेंट शो होने वाला है। तो अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में फटाफट से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इस संडे को यानी 1 तारीख को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे टैलेंट शो होने वाला है। वहां पर चेस कंपटीशन भी हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें गिफ्ट प्राइजेस होने वाली है। तो डेफिनेटली आ जाओ, अपने पास जो टैलेंट है, आप अगर मोबाइल पियानो बजा सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, कुछ भी पोएट्री सुना सकते हो, ऐसा कुछ भी टैलेंट आपके पास है, रैप कर सकते हो, तो ये सब टैलेंट आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो टैलेंट शोकेस होने वाला है उसके ऊपर आके आप प्रेजेंट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा, बहुत ही आप उम्दा परफॉर्म कर पाए तो डेफिनेटली आपको कुछ गिफ्ट प्राइजेस मिलने वाले। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में फटाफट से वो लिंक ज्वाइन कर लो। अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं आज का अपना वॉक बैंड ट्यूटोरियल ऑफ निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे सा निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे सा पा दा 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 पा दा दा निसा नी दा नी दा नी दा पा लुट गए ट्यूटोरियल। तो दोस्तों ये हम आ गए हमारे वॉक बैंड के अंदर। आप में से जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरे वॉक बैंड की ट्यूटोरियल्स फॉलो किए, उनको पता है मैं मल्टी ट्रैक सिंथ के अंदर जाता हूँ और पूरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पर न्यू सॉन्ग पे हम क्लिक करेंगे, मेजर्स रखेंगे 50 के मेजर्स, यानी लंबे बार हमें मिलेंगे प्ले करने के लिए। उसके बाद हम BPM सिलेक्ट करेंगे, अभी के लिए 80 का BPM हमारे लिए ओके है, गाना वैसे स्लो है, यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अभी सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले बजाता हूँ, वो होता है एक परकशन किट, क्योंकि गाने में थोड़ा सा एक रिदम आ जाता है, एक थोड़ा सा टेम्पो मिल जाता है गाने में। तो यहां पर इस गाने में मैंने क्या किया, परकशन किट मैंने सिलेक्ट किया। यहां पर ढोलक वाला पैच बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है इस गाने में, प्रॉपर बॉलीवुड वाला ढोलक वाला फील है इस गाने में। सबसे पहले हम बजाएंगे, वो थोड़ा ढोलक वाला फील इसमें ही ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऐसे एक रिकॉर्ड करेंगे, ग्रूव रिकॉर्ड करेंगे, बस इसको हम BPM में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो पूरा प्रोजेक्ट बिखरा हुआ सुनाई देगा, ऑफ बीट सुनाई देगा। तो उसके लिए हम उसको BPM में बजाएंगे जो टेम्पो बज रहा है। अब टेम्पो कैसे बजेगा, तो यहां पर ये देखो, ये जो साइन मैंने ऑन किया ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये आपको ऑन करना ही करना है, ये मैंने कर दिया। अभी हम रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 के बाद स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग, 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो ये देखा दोस्तों, ये मैंने रिकॉर्ड किया, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया यहां पर, तो ये एक ट्रैक हो गया। अभी इसके बाद मैंने कौन सा ट्रैक इसमें ऐड किया था, तो मैंने गिटार ऐड की थी। अभी मैं एक गिटार इसमें ऐड करूंगा जो साउंड आपके पास डिफॉल्ट में नहीं होगा, बट उसको डाउनलोड कैसे करना है उसके ऊपर वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लेना। अगर वो समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर अगर कमेंट्स आएंगे बहुत सारे तो डेफिनेटली मैं करूंगा उसके ऊपर वीडियो। तो यहां पर मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ पाम म्यूटेड गिटार है। अभी इस गाने में कॉर्ड्स कौन से यूज होते हैं वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहां पर सबसे पहले यूज होता है डी माइनर, उसके बाद सी मेजर, उसके बाद ए शार्प मेजर, ये 3 कॉर्ड ही हम सिर्फ यूज करेंगे। बॉलीवुड के कई सारे गानों में ऐसे एक ही फैमिली के कॉर्ड्स यूज होते हैं और उसमें कई सारे गाने बज जाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है ए माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर, तो वो जाके देखो, मैं ऊपर आपको ये लिंक दे दूंगा, यहां पर ऊपर आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन बटन में देख लो वीडियो। तो यहां पर अभी हम सिलेक्ट करेंगे कॉर्ड्स। तो दोस्तों हमारे पास कुछ कॉर्ड्स आ गए, इसके सिलेक्शन कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी। तो यहां पर ये हमारे सिलेक्ट हो गए कॉर्ड, ये देखो डी माइनर, उसके बाद सी मेजर, सी मेजर, उसके बाद ए शार्प मेजर और ए मेजर। तो ये गिटार कैसे रिकॉर्ड करनी है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको बीट पे नहीं बजाना है, आपको 1 बीट छोड़ के 1 बीट के बाद बजाना है, यानी 1 2 3 स्टार्ट, समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे मैं दिखाता हूं आपको, प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा। 2 3
स्टार्ट। तो यहां पर देखा मैंने कुछ 20-25 बार्स के लिए अभी बजाया है आपको दिखाने के लिए। इसके बाद अभी हम डायरेक्टली गाने के और बढ़ेंगे। ये तो हमारा एक थोड़ा सा ग्रूव हो गया। ग्रूव के बाद अभी हम मेन गाने की तरफ बढ़ेंगे। मेन गाना जैसे मैंने बताया डी माइनर में है, तो ज्यादातर व्हाइट नोट्स ही यूज होने वाले। ओरिजिनल गाने में भी व्हाइट नोट्स यूज हुए, बट सिर्फ एक ये ए शार्प, ये एक ब्लैक नोट यूज हो रहा है यहाँ पर, तो आपके लिए थोड़ा इजी होने वाला है। सो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो मार्जिन सिलेक्ट किया है, कितने की सिलेक्ट किया है वो देखो, A4 से लेके ऊपर के C6 तक, यहाँ तक हमने एक की सिलेक्ट किया हुए है और इसमें हमने बजाया है। इतने ऊपर भी हम जाएंगे नहीं, हमें सिर्फ इतना ही मेजरली चाहिए, A4 से लेके ऊपर के G5 तक इतना ही मेजरली चाहिए। तो अभी जो मेन ट्यून है वो कैसे बजी देखो, रे ग रे सा प ध द द प द द ध नि सा नि ध नी ध नी ध प है। थोड़ा सिंपल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार, ये आपको पहले रिकॉर्ड करना है, उसके बाद गाना भी चालू होता है। अभी मैं आपको गाना भी दिखा देता हूं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा सब कुछ एक साथ। तो यहां पर अभी क्या हुआ, गाना शुरुआत कैसे होता है, मैंने जब देखा था तुझको, शुरुआत होता है हमारा F5 से। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते के लिए ता जो शुरू होता है वो ए शार्प से होता है। तारे गिनते गिनते सो गया, थोड़ा थोड़ा समझ रहे आपको, मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। आगे का सेम, यही सेम लाइन फिर से रिपीट होता है। इसके बाद होता है आसमानों पे जो खुदा है, वो F से शुरू होता है। आसमानों पे जो खुदा है, सेम रिपीट, उससे मेरी यही दुआ है। अभी ऊपर जाएंगे, चांद ये हर रोज में देखूं के लिए जी से शुरुआत करेंगे। चांद ये हर रोज में देखूं तेरे साथ में, हाँ आग उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। फिर से रिपीट ये, ये इतना समझ में आ गया। एक बार मैं पूरा आपको रिकॉर्डिंग के वक्त बजा के दिखाता हूँ, बाकी आपको नोटेशंस मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक करो। अभी मैं आपको ये पूरा रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ मैं कैसे करूंगा। जो हमने पहले से बजाया हुआ परकशंस और गिटार है उसके ऊपर बजाएंगे। अभी के लिए मैंने इतना ही बजाया दोस्तों। ये मैंने एक ही बार पूरा गाना, मतलब सिंगल 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 बजाने की कोशिश की आपको दिखाने के लिए, थोड़ा वीडियो भी छोटा हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पर एक बार मैंने पूरा बजाया ही है, आप इसको डबल बजा सकते हो, मतलब मैंने जो सिंगल सिंगल बजाया उसको हर एक को आप डबल बजा दो तो गाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, तो गाना बहुत स्लो टेम्पो में लगता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, 80 वाला जो BPM है उसको हम 90 तक लेके आते, चलो 90 पे सुनते हैं।
80 से थोड़ा फास्ट ही है टेम्पो। हाँ ये बेटर है। निसा सा सा निसा सा सा रे गा रे सा पद द द पद द द निसा नी द नी द नी द प। अभी ये हमने गाना रिकॉर्ड कर लिया, 2 3। तो ये इन्वर्टर किट में कैसे साउंड करता है देखो, थोड़ा डीजे वाला फ्लेवर आएगा इसमें। ऐसे आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके ऊपर इनोवेशन, आपको जो करना है, जो क्रिएटिविटी आपको उसमें ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। अभी के लिए ये इतना ही प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये हमने 4 ट्रैक्स में देखने की कोशिश की है, सिंपल करने की कोशिश की है। एक परकशन किट, एक गिटार, एक अकॉर्डियन और एक इन्वर्टर किट, यानी एक पूरा ड्रम किट। अभी आपने अगर लुट गए का मेरा जो मेन वीडियो है वो देखा है, उसमें मैंने ढोलक ऐड किया है। वो कैसे किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले जो आपने यहां पर रिकॉर्ड किया हुआ है ये 90 के टेम्पो में, उसको आप एट द एंड सेव कर दो, सेव एडिटिंग पे ओके कर दो। अभी जो यहाँ पर MP3 लिखा हुआ आएगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर ये ट्रैक MP3 बन जाएगा। ये MP3 में आपको टॉप में दिखाई देगा, ये देखो दोस्तों, ये टॉप में जो दिख रहा है वो यही प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ड्रम मशीन ये ऐप आप प्ले स्टोर पे आराम से ले सकते हो, फ्री है। बट इसमें जो साउंड मैंने यूज किया हुआ है, ढोलक के साउंड है, ये सब पैच कैसे रिकॉर्ड करना है इसके ऊपर भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा आराम से। अभी के लिए दोस्तों ये हमने जो 90 के BPM में पूरा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड किया है लुट गए का, उसके ऊपर आपको सेम 90 के BPM में एक ढोलक बजा देना है जो ओरिजिनल की जैसा साउंड करेगा, यानी हो आ गुठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, ओ दिल का सौदा हुआ अंधनी रात में डाक्टर डाक्टर अभी ये चीज आपको रिकॉर्ड करनी है। देखो यहां पर भी आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, ये मतलब रिकॉर्ड एक गोल, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो थोड़ा सा रेड ब्लिंक होता है। ये स्टार्ट हो चुका है, अभी 90 का BPM आपको कान में सुनना है और बजाना है। ये ऐसे आपको 90 के BPM पे बजाना है और इसको रिकॉर्डिंग रुका देना है। अभी देखो ये रिकॉर्ड हो चुका है, मैं बजा नहीं रहा हूं, मेरे हाथ दोनों ऊपर है। तो ये क्या हुआ, ये रिकॉर्ड हो चुका है। अभी इस चीज को आपको, जैसे मैंने ऑक्स लगाया यहां पर, ये ऑक्स आप कंप्यूटर पे लगा दो, आपके पास अगर लैपटॉप PC होगा तो उसमें ये डाल दो। ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, वॉक बैंड का प्रोजेक्ट और ड्रम मशीन का प्रोजेक्ट, इसको एक साथ थोड़ा सा मिक्स कर दो, आपको मस्त सुनाई देगा। तो आज के लिए ये इतना ही वीडियो था दोस्तों। आई होप गाइस आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, हिट द बेल आइकन और सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कर देना। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, वी आर वेरी क्लोज टू 90K सब्सक्राइबर्स, जल्दी से जल्दी हो जाए 90, 95, 100K तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना है दोस्तों। अक्टूबर के पहले अपने को कुछ भी करके 100K तक पहुंचना है। क्या हम पहुंच सकते हैं, कमेंट में बताओ। डिस्कॉर्ड के बारे में भूलना मत, अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आओ, आप अपना टैलेंट शोकेस कर पाओगे, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर दो और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। अगला वॉकबैंड ट्यूटोरियल जल्दी ही लेके आऊंगा, कौन सा करे वो भी मुझे कॉमेंट में बताना। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट रखना, एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एट सेम। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।